हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देख रहे हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दैट शुडंट एग्जिस्ट। है देखे भैया, ऑनलाइन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बैन टिकटॉक हुआ, लग दूसरे ऐप्स की गई। जब से बैन हुआ है, सब टिकटॉकर्स ने ठान लिया है, जो ऐप दिख जाए उसका गला पकड़ के उसको टिकटॉक बनाएंगे। रील्स मौज टकाटक पे तो सब हकते हैं, हम कहीं अलग पटरी पे हकेंगे। सीधा मीशो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे, वो भी सदमे में कि हम इसमें कैसे फंस गए। मैं उधर जीन्स लेने गई, फुल लेंथ स्ट्रेचेबल, सोचा रिव्यूज देख लूं। वहाँ कि इसने अपनी जीन्स का दिखा रही है रिव्यू में। रिव्यू जीन्स का है या पैंटीन शैम्पू? बनाइए बाल और रिश्ते मजबूत। रिव्यू हो रहा है जीन्स, वरना स्टेप पे फट जाता। रिव्यू के लिए इतनी मेहनत, अब अपने गुड नाइस वाले रिव्यूज पे शर्म आ रही है यार। मेरे तरफ से तो एक पोल डांस रिव्यू तो जोमेटो स्विगी वाले भी डिजर्व करते हैं। करने वाला जीन्स की सिलाई करने वालों के लिए बढ़िया मोटिवेशन है। मम्मी ने ये देख के जीन्स लेने से मना कर दिया कि घर पे पहन के इतनी कंफर्टेबल हो रही है, बाहर क्या होगा। फिर मुझे एक टी शर्ट लेनी थी, सोचा रिव्यूज में देख लूं लोगों पे फिटिंग कैसी आ रही है। सॉरी भाई, पाप हो गया यार, सॉरी। शर्ट लेने गया था, गाली खा के आ गया। फाइव स्टार्स? अबे कुछ पसंद आए तो ये वाली उंगली दिखाते हैं। गलत उंगली दिखा रहा है, कोई तो फिटिंग दिखा दो। शर्ट अबे पीले केले के छिलके, शर्ट तो दिखा दो। अच्छा दिखे तभी मंगाना भाई लोग, जब आपके अंदर क्वालिटी हो। तो पहले मैं खुद का रिव्यू करा के आऊँ। भैया टी शर्ट छोड़ो, मेरी बिल्ड क्वालिटी बताओ पहले। लोग ना मंगाए। तो आपने क्यों मंगाया भाई? जो प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी। धीरे धीरे पास आ रही है। एक नॉर्मल रिव्यू सेक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट की फोटोज होती, और यहाँ शर्ट के रिव्यू में DID। ये होने लग गया। पेमेंट मेथड मुजरा था क्या? इतनी एक्साइटमेंट, जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पे डिलीवरी वाला कैश लेना भूल जाए। बंद कर दे ये सर, फ्रॉम चोर बाजार। अरे कली बनियान मंगाया, मैं ऐसे ही दूंगा उसका रिव्यू। डिलीवरी वाला सपेरा बनेगा और मैं नागिन। ये डांस वांस जाते हैं जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर ऑनलाइन रिव्यू में शॉट लेते हैं, तलाश ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रहे हो रिव्यू के बाद स्टार कौन बना रहे हैं। फिर मम्मी को मेरी कुटाई करने के लिए नए चप्पल चाहिए थे, तो मैं गया सबसे सॉफ्ट वाले ढूंढने, और उसका टॉप रिव्यू में चप्पल कहाँ है। अरे चप्पल कहाँ, नीचे दिखाओ। मारेगी क्या किसी को? यही करके रिव्यू डाल रहे हैं सब। चप्पल मिल जाए तो कैमरामैन के मुंह पे मार देना। इडियट। मैंने क्या किया भाई, मटेरियल क्वालिटी इतनी खराब थी कि दारूबाज बन गई आंटी। गम भुलाने के लिए इनकी न्यू ईयर पार्टी चप्पल रिव्यू सेक्शन में ही बन गई। मटेरियल क्वालिटी इज नॉट गुड, इसलिए रिटर्न करने से पहले मैंने एक एटीट्यूड रील वसूल ली। गंदा रिव्यू इतना स्टाइल में कौन देता है? मटेरियल क्वालिटी नॉट गुड। फिर ये जैकेट देख रही थी और ये रिव्यू दे रहे हैं। पैकेट पे क्रश था क्या, इतना इंतजार, पैसे दिए भी। सोच उधर डिलीवरी वाला अभी भी खड़ा है। हाँ, पेमेंट तो कर दो। अरे थोड़ा और इंतजार कर लेते, मेरे बॉस को मेरा इंतजार है। अब रीटेक मत लेना, रीटेक मत। नॉट गुड एंड नॉट बैड, दिस इज बैड। ओके में तो ये हाल है, अच्छा लगता तो पूरी आश की 3 बना देती। और ये भाई साहब शर्ट की कह रहे, मंगाई तो टी शर्ट थी, पहनने पे क्रॉप टॉप लग रही है। बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो गाड़ी आगे जा नहीं पा रही। इनकी दीपिका से ज्यादा पेट अंकल ने दिखा दिया। एक्स्ट्रा स्मॉल आपके पास आ गया और आपका ट्रिपल XL यहाँ। अरे 90 लग रही है चिंटू पे, नैनो पे इनोवा का कवर चढ़ा दिया। शॉर्ट ऐसा खरीदो कि पैंट का खर्चा ही बच जाए। तब माँ बाप बच्चों के लिए एक दो साइज बड़ा लेते हैं। इन्होंने इतना बड़ा साइज लिया कि 25-30 साल तक लड़का यही पहने। नाइस ये टेडी, तो मैं भी बारबी डॉल। नाम क्या है?
बंटी द पू, किसी ने डिलीवरी बॉय को ही टेडी समझ के घर पे रख लिया भाई। अरे कोई छुड़वाओ इसको, ये टेडी अपने टेडी पने से पूरा परेशान हो चुका है। अब जितने अतरंगी रिव्यूज है ना, उतने ही अतरंगी यहाँ प्रोडक्ट्स भी हैं। चौकी का जाकी, नाइकी का हाइकी, वाओ का वाओ, वाओ, एप्पल के पजामे, फुटबॉल के फोन, बाहर प्यूमा, अंदर आयुष। हाँ, ये था प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स का बिहाइंड द सीन। ऐसे ही मिला एक घरेलू हैंड पंप जिसका काम है कप से ड्रिंक निकाल के वापस कप में ही गिरा देना। मिलियन आईक्यू, इतनी यूजफुल चीज तो लेनी पड़ी भाई। इसका लॉजिक क्या है? टिम्कू के नल पाइप के धंधे में कब आए? ये वैगन आर की खिड़की से निकाल के एप्पल में लगा दिया है। शीशा नीचे शीशा ऊपर, शीशा नीचे। पता नहीं पानी कम ज्यादा क्यों नहीं हो रहा। वाओ, बच्चों के कोई खिलौना होगा तो पूरे ट्रैक्टर बुलानी पड़ती है ना। अब पानी ऐसे पियो गाइस। अबे नल है तो बताया क्यों नहीं पहले? पूछा मार, पूरा चाट के साफ कर रहा हूँ। अबे बंद ही नहीं होता है नल। सुपर ड्राई लिखा है तो सबसे बड़ी आयरनी है। मैं इसी नल से दाल मखनी भरूंगा अपने मुंह में। वो तो परी नहीं आनी दाल मखनी। रोटी पाए पे यार बटर चिकन के पीस भी आ जाएंगे। फिर मैंने देखा कि भाई 100 रुपए में 30-40 हजार वाली एप्पल वॉच मिली, फट से खरीदी। जो निकला एक डिजिटल वॉच जिसपे एप्पल बना हुआ है, ग्रीन एप्पल वॉच। बास मार रही है। स्टीव जॉब शायद इसी को देख के गुजर गए थे। इसमें सीरी है ना? सीरी सेट एन अलार्म, खुद कर गरीब भूस। ये पहन लिया तो टाइम देखना ही क्यों? पता ही है वक्त बुरा है आपका। इसमें हार्ट रेट भी नहीं है क्या? दिल टूट चुका है, अब क्या ही आएगा। 100 रुपए में ना हार्ट रेट भी थी। एप्पल वॉच आपके पास नहीं आई क्या? मेरे पास पहले आ गई, 100 की है लेटेस्ट। और ये भी एप्पल वॉच जिसका एप्पल कोई नहीं खाना चाह आज तक। लोगो है ही नहीं। डिलीवरी में इवेपोरेट हो गया क्या लोगो? लोगो के लिए तो मंगाया था। डॉल्फिन बना है भाई, एप्पल का था डॉल्फिन। और इसको पहन के आप पूरे साल हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकते हो, कि डेट इसमें जनवरी 1 ही रहती है पूरे साल। ये मुझे चाइना की लग रही है। रेट या किडनी रेट बता रहा है? चाइना वाला। रुपए में बिकेगी तेरी? बस 18 में बिकेगी किडनी? या कह रहा है कि 18 टट्टी है मेरे अंदर अभी। और सब लोग डायरी रखते हैं जिसमें लिखने का मोटिवेशन मिले, पर यहाँ है डीमोटिवेशनल डायरी। तुमसे ना हो पाएगा, एक मिलियन डॉलर आइडिया है। तुमसे ना हो पाएगा, मैं गरीब ही रहूंगा, थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। तुमसे ना हो पाएगा, उसमें कौन लिखेगा? इसीलिए कुछ नहीं लिख पाया अंदर। ये डायरी रद्दी वाला भी नहीं ले जाता, हमसे इसको बेचना भी ना हो पाए। घर पे भी छुपा के रखनी पड़ेगी यार। एक मिनट, एक बेटा एक पेन और नोटबुक लाना, नंबर नोट कर। वो देखो कोई मालिक तुमसे ना हो पाए। एक सेकंड, साले बाप से पकड़ो जी, तुमसे ना हो पाएगा। और हमने बस डायरी मंगाई थी, साथ में डिप्रेशन का महा पोस्टर फ्रेम करके, वो भी 2 फ्री में दे दी डायरी के साथ। डायरी का तो बराबर ले लूंगी। ये कोई दीवार पे लगाने वाली चीज है? क्या हाल है? मैं कहता हूं लिफाफा है, इसी से सर ठोक ले। फ्री सामान मिलने से ना कुछ पहली बार कोई हुआ है। ऊपर से रजनीगंधा की पैकेजिंग में आया ये डीमोटिवेशन। अब डर गया मैं, मम्मी भी सोच रही है मैं प्रोफेशनल गुटखा बाज बन चुका हूं। ये 1 मिलियन तक के प्ले बटन, और जिनका 10 मिलियन ना हो पा रहा उनका प्ले बटन। और मुझे मिला एक पेन विद हिडन HD कैमरा, तो मैंने फटाफट मंगा लिया। क्यों? ऐसे तो यूट्यूबर बोल के सब कुछ ब्लॉक कर लेते हो, ऐसा क्या है जो छुपा के शूट करना है? अरे वो कुछ नहीं यार, वो अच्छा ना एक्स्ट्रा कैमरा चलेगा ये ना चले तो। Hey guys, मैं बहुत ही अच्छी वीडियो ले रहा हूँ यहाँ पे। ये है मेरा नया व्लॉगिंग कैमरा सौरव जोशी। चल तो रहा है, मैं तो ये लव लेटर लिखते हुए ऐसी फुटेज आती है तो आएगी। हिल तो रहा है, और इस वेबसाइट पे मिला एक फोन जो फोटो में तो बहुत बड़ा था लेकिन निकला छोटा। मेरे रबर से भी छोटा है ये, तो रबर लग रहा है। क्या ये फोन? साइज कंपैरिजन अच्छा है, क्यूट है, चलता है कि नहीं? दिख भी नहीं रहा इतना छोटा है। नोकिया 3310 का नाजायज बेटा, इसमें 9 दबाना होता है, सीधा यहाँ के 5-6 नंबर दब जाते हैं। होता है 9, 6 नहीं, 9, 9, 8, 5 नहीं, 8, मेरा तो बड़े में भी होता है। अरे 5, 8 नहीं, इसको कान पे लगाओ तो मुंह
क्या से 6 किलोमीटर दूर हो जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता। हेलो, यहाँ ऑलरेडी एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ तो कोई पट नहीं रही, इससे तो ओल्ड एज होम में मिलेगी। बस मेरे को तो प्यारा लगा, पॉकेट मारिए निकाल के वापस मेरे जेब में डाल देगा। फोन चोर की भी ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाएगी ये बेच के। अपना नाम अभ्युदय आधा लिखते लिखते इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इसमें तुम्हारे विदेशी गाने नहीं चलते, सिर्फ एक ही गाना है, सिर्फ नाक छुपती है। इसका रिव्यू अब हम एक ही गाने पे दे सकते हैं। मेरा कट गया, दिल टूट के बेचारा ये मट गया। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपको कभी छोटा सामान ना मिले तो जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना कर देना। मैं जाता हूँ इस फोन से बंदिया पटाने। हेलो, बंदी अपना नंबर देगी ना नोट डाउन करने से पहले ही। हेलो, हाँ आ गए ना, क्या अब नहीं आ रही? अब आ रही है? अरे यार ये यार मजेदार था, सबसे मजेदार तो मुझे ये फोन लगा, इतना क्यूट था, मेरा तो मन कर रहा था मैं ले लूं, इतना स्वीट। और देखने की बात है, देखिए कि गट्स भी हैं लोगों में बेचने के। हाँ, इस फोन को बेचने के गट्स में अगले में, और कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब अगर वो जैसे लग रहा था ये चाइना में शायद बना हुआ है, मुझे तो सारा चाइना का बना हुआ है, वो माल इंडिया में आ रहा है, इंडिया में बिक रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेच रहा है वो इतने छुटके से फ़ोन को, अनलाइकली है कि एक ही फ़ोन को चाइना से भेजेगा। उसने पूरे डब्बे भर भर के भेज दिए लोकल बंदे के पास जो भेज रहा है, कोई क्वालिटी चेक नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पहले क्वालिटी कंट्रोल कुछ पास हो, उसके बाद ही अलाउड होना चाहिए फॉर इंडियन पब्लिक के लिए। अगर आपने किसी भी भारत के इंसान को कुछ बेचना है तो पहले आपका रिव्यू प्रोसेस हो, कोई देखेगा बोलेगा यस ये सूटेबल है, तभी आप बेच सकते हैं। नहीं मैं तो कह रही हूँ क्वालिटी कंट्रोल सामान की भी होनी चाहिए और रिव्यूज की भी क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। वो तो कमाल का, उसमें तो लोग जो हैं थोड़े बोर हो गए लाइफ में वो कहीं पर भी अपना वीडियो बना रहे हैं और वहां डाल रहे हैं। मैं चेक करने जाऊं और ऐसा मुझे दिखे मुझे तो शॉक लग जाएगा कि ये क्या, मैं तो प्रोडक्ट ही नहीं लूंगी कि भैया जिसने ऐसी चीज डालने दी अपनी वेबसाइट में वो कितना बेकार का सामान बेच रहा होगा, मैं तो ये सोचूंगी। राइट, अभी ये भी पॉइंट है कि जब वो जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक तो बैन हो चुका है इंडिया में ना, हाँ तो किस चीज का लग गया, वो सीधा वहीं पर ही वीडियो उन्होंने लगा दिया, कोई लिंक लगाया है जहाँ वीडियो प्ले हो रहा है। मेरे ख्याल से वीडियो लगा दिया है जहाँ प्ले हो रहा है, क्योंकि आप कई बार आप रिव्यूज में अपनी फोटो भी डाल सकते हो ना प्रोडक्ट, तो अपनी वीडियो बनाई और वहाँ पे अपलोड कर दी, और जो भी मतलब बोर हो रहे हैं सीधा उन्होंने लगा दी वहाँ कि देखो मजे करो। और उसमें मजे की बात थी, पता नहीं 100 लोगों ने लाइक भी कर रखा था। किया था, मैं तो देखा ही नहीं है भगवान। एक तो लगा दी ऊपर से लाइक भी आ रहे हैं। वाह क्या दुनिया है रे, अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।